Hey guys, this is Raj Kadumna back with another video. So this video is going to be all about NCC camp. मैंने last video में आपको बताया था कि मेरा NCC का camp है. So I will be going there today. पूरा camp के बारे में सब explain करूँगा क्या क्या होता है, workout, march past, etc. 2 hours later. I'm all ready. This is the uniform and इसमें थोड़े सारे articles बाकी है. अभी हम चलते हैं. Friends, अब मिलते हैं. We'll meet soon, friends. So let's go. अभी जाते हैं नीचे. Just to इतना short tour. तो दो beds and ये hostel का room है. So chair, table. ये मेरा stuff है and these are two cupboards. अभी लंच करके आया. हियर वी हैव टू वॉश आवर प्लेट्स टू बिकॉज कैंप है एंड कैंप की तरह रहना भी चाहिए. एंड आज लंच ठीक ठाक था, इतना कुछ खास भी नहीं था. मैं चिकन खा के आया था घर से, सो वाजंट दैट हंग्री. आई विल बी लेइंग राइट नाउ टिल 2:30 एंड उसके बाद CPR का लेक्चर एंड क्लास है प्रैक्टिकल्स में. सो विल बी गोइंग देयर. Back in the room, lectures हुआ अभी, CPR की ट्रेनिंग थी एंड उसके बाद हमने स्नैक्स लिए. स्नैक्स में टी एंड बिस्किट्स थे. अभी तो डाइट का कुछ सोचा नहीं है मैंने, होने वाला भी नहीं है. सो आई एम लाइक ईटिंग एट सरप्लस ऑफ 300 कैलोरीज. थोड़ा सा वेट गेन हो जाएगा मे बी. तो कल योगा है तो कल की एक्टिविटीज के लिए कल मिलते हैं. आई वॉज जस्ट स्लीपिंग एंड मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया. मैं खेलने के लिए गया था एंड उसके बाद डिनर. नाउ आई एम लाइक स्लीपिंग. कल मिलते हैं. गुड नाइट. आई एम प्रीटी टायर्ड सो कल मिलते हैं. आज सेकेंड डे है एंड आज सुबह 5:30 को उठा था. उसके बाद 6:15 को योगा था. आज उसके बाद वी एट आवर ब्रेकफास्ट, देन हमारा मार्च पास था एंड उसके बाद हमने फायर ड्रिल प्रैक्टिस की, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करते हैं वगैरह. उसके बाद लंच किया एंड या दिस इज व्हाट वी डिड. एंड अभी मैं बैक गेट पे हूँ बिकॉज मुझे घर से कुछ सामान चाहिए था, वो लेने के लिए आया. एंड आज अच्छा लंच था, कल बहुत बुरा था. मतलब कल तो भूख के पेट ही उठा था मैं बिकॉज इट वॉज सो शिटी. तो अभी मैंने कुछ फ्रूट्स मंगवाए हैं, विल बी गेटिंग इट. एक्चुअली ऐसा मंगवाने का सीन नहीं रहता बट बिकॉज ऑफ कोविड वी आर स्टेइंग इन द स्कूल एंड ये चलता है. आई विल बी टेकिंग इट एंड गोइंग टू माई हॉस्टल. आई गॉट द पार्सल, ये मंगवाए थे. इसमें फ्रूट्स एंड बिस्किट्स है एंड द टी बिकॉज फिंगर्स को हमेशा लगता है, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ लगते रहता है. एंड इसमें से थोड़े से बिस्किट्स भी मंगवाए एंड आई एम नॉट थिंकिंग और टेकिंग एनीथिंग इन कंसिडरेशन अबाउट माई डाइट बिकॉज इसके बाद तो मुझे फैट लॉस ही करना पड़ेगा. सो अनदर ट्रांसमिशन सीरीज कमिंग अप. ओके लाइक आज भी डिनर के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ. लंच के बाद 3 बजे हमारा पर्सनल डेवलपमेंट पे लेक्चर था. उसके बाद हमने स्पोर्ट्स खेले एंड अभी डिनर को वी वेंट टू सीनियर मेस. मतलब सीनियर जो स्टूडेंट थे उनके मेस को गए थे. वहाँ पे एक बुर्जी थी. फाइनली कुछ तो डाइट में से अच्छा लगा खाने को. ना खाया इतना खाया कि नॉट एबल टू वॉक. मतलब बहुत पूरा पेट भर के खाया. जस्ट रिमेम्बर कि मैं
टू मच सरप्लस में खा रहा हूँ, आई विल गेन फैट एंड मसल आई विल प्रिजर्व बिकॉज यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है, बाद में वी विल डू अ बॉडी रिकम्पोजिशन, उसके बाद शॉर्ट कट करूँगा, सो यू नो आई विल बी डूइंग अ कट, कटिंग सीरीज भी आएगी एंड वो भी आई गेस मैं एक ही वीडियो में डालूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो, अ फुल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो जिसमें आपको लाइक फ्रॉम फर्स्ट टू एंड पूरा दिखे, नॉट लाइक फिट टू फैट टू फिट सीरीज, जस्ट वन वीडियो जिसमें लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब आपको पता चलेगा, सो इट विल बी अ लेंथी वीडियो एंड हार्डर टू एडिट बट कंटेंट विल बी ऑसम, होप सो यू आर लाइकिंग द कंटेंट, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा शूट करने के लिए नहीं है, आवर फोन्स आर नॉट अलाउड आउटसाइड द हॉस्टल, सिर्फ हॉस्टल में यूज करने यहाँ पे रूम्स में, एंड यहाँ से बाहर जाते तो फोन्स यहाँ पे ही रखने, सो कंटेंट शूट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, बट आई एम टेकिंग माई फोन ऑन द रिस्क, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, एंड वन मोर थिंग, अगर आपने मेरी मुंबई वाले ब्लॉग्स के जो कि रोड टू एमएचओ सीरीज की अगर वीडियो नहीं देखी तो गो वॉच इट यहाँ पे या फिर यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे तो, एंड लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, तो गो एंड वॉच दैट सीरीज बिकॉज यू आर गोइंग टू लव इट, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। So we came all down and हमने रेस लगाई थी to pee and we both are winner. First in the canteen, do it breakfast. We'll be right back.
सो आई एम लिविंग राइट नाउ एंड मैंने 2 दिन बहुत शूट नहीं किया. कल मेरे रात को हेडफोन्स चोरी हो गए, यहाँ पे रखे थे मैंने बैग कबर्ड में, गलती से दरवाजे को लॉक लगाना रह गया एंड समवन स्टोल इट. आपको पता रहेंगे कि मैंने वो रियलमी के लिए थे, अभी घर जाके बताता हूँ. मतलब कल बहुत बुरा लग रहा था, आज भी लग रहा है. ही वॉज माई रूम पार्टनर, मैंने इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, बट द बेस्ट रूम पार्टनर आई हैड. ओह अरे सच में यू आर द बेस्ट रूम पार्टनर. मतलब कुछ तकलीफ नहीं कुछ नहीं, सब ऑन पॉइंट दोनों का भी. सो वी स्पेंड गुड टाइम टुगेदर, नाउ वी विल बी लिविंग. Bye, bro. Okay, it's Wael from NCC camp. एंड मैंने एनसीसी कैंप के बाद कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया टू शो. मैंने अभी तक वीडियो भी एडिट नहीं किया बिकॉज मेरा मन ही नहीं हो रहा था. आई वॉज अपसेट स्लैश एंग्री एंड आई एम स्टिल अपसेट एंड एंग्री, बट आई कॉन्ट डू एनी थिंग अबाउट इट. मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, बट जस्ट वॉन्टेड टू शेयर सम थिंग्स. एंड इफ यू वॉन्ट टू हियर माई थाट्स और अबाउट द एक्सपीरियंस, देन यू कैन श्योरली वेट एंड वॉच दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. बट अगर आपको सिर्फ एनसीसी कैंप के बारे में चाहिए था, देन इट्स ओवर, द कैंप इज ओवर. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल सम थिंग्स जिससे मुझे लाइक ये डॉक्यूमेंट करके रखने, माई एक्सपीरियंस, वॉट आई हैव लर्न, द मिस्टेक्स आई हैव डन एक्सेट्रा. सो आई एम गोइंग टू टेल यू इन ब्रीफ अबाउट द एक्सपीरियंसेस एंड एक्सेट्रा. बिफोर शेयरिंग माई एक्सपीरियंस माई थाट्स, अ शॉर्ट डिस्क्लेमर. सो आई हैव राइट टू स्पीक, सो मैं मेरे थाट्स, मेरा एक्सपीरियंस आई कैन शेयर इट पब्लिकली, मैं इसे पब्लिकली बोल सकता हूँ. सो अगर मैंने आगे जाके कुछ उल्टा सीधा बोला लाइक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, अगर ये आपको हर्ट करता है आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज वॉट आई एक्सपीरियंस एंड दीज आर माई थाट्स. मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा. आई एक्चुअली नो अ नेम बट आई डोंट वॉन्ट टू पॉइंट आउट अ पर्सन, आई डोंट वॉन्ट टू स्प्रेड एनी हेट. मुझे सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बताना है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डे 4, जो लास्ट डे था हमारा. तो उस दिन हमारा गैदरिंग था, उसमें डांस स्किट्स वगैरह थे. मैं और मेरा रूममेट, हम दोनों पायलटिंग करने वाले थे. वी वर सपोज टू एस्कॉर्ट चीफ गेस्ट टू द स्टेज. मैं और मेरा रूममेट, वी बोथ वेर लेट, सो वी वेर इन हरी एंड इन हरी वी फॉरगेट टू लॉक आवर डोर. जो भी थीफ था उसने उसी पल का वेट किया एंड स्टोल दैट हेडफोन्स फ्रॉम माई बैग. मेरे हेडफोन्स बैग में से चोरी हो गए. लाइक मैंने बैग में रखे थे, एकदम अंदर के पॉकेट में, सीक्रेट पॉकेट होता है उसमें रखे थे. इनर पॉकेट में रख के भी मेरे हेडफोन्स चोरी हो गए. एंड वो प्रोग्राम होने के बाद, देन डिनर होने के बाद, जब मैं वापस रूम में आया एंड तब मुझे समझ में आया कि मेरे हेडफोन्स बैग में से चोरी हो गए. एंड एट दैट टाइम इट वॉज टू लेट, बिकॉज उसने वो कहीं पे तो छुपा के भी रखे होंगे, या फिर he might have like just passed to someone outside the camp and वो बाहर चले गए होंगे. बिकॉज उसके बाद, ये सब होने के बाद, जब मुझे समझ में आया कि मेरे हेडफोन चोरी हो गए, आई चेक्ड everyone's bag. Like literally I checked everyone's bag and I was checking till 2 o'clock at midnight. But still I was unable to find my headphones. And next day का आपने देखा ही होगा, I was upset, angry, sad, जो हुआ सो हुआ. But now I trust no one and that's fine. I think that's fine. That's how the world is. Let's just take the learnings from this lesson. And हमें पहले ही बताया था कि not to carry any valuable things. So in a way this was my mistakes too. And मुझे सबसे बुरा इस बात का लग रहा है कि जो भी मेरे साथ टीचर्स थे, they didn't help me out. जो दूसरे स्कूल के टीचर्स थे, दे डिड हेल्प मी आउट, बट हमारे स्कूल के टीचर्स, उन्होंने मुझे किसी भी वैसे मदद नहीं की. दे जस्ट गेव मी परमिशन टू चेक द बैग्स एंड दैट वॉज नॉट इनफ. अगर उन्होंने कुछ तो बोला होता, इफ दे हैड लाइक स्कोल्डेड, फिर भी लाइक मुझे वो मिल सकते थे. मुझे हेडफोन जाने का दुख नहीं है, बट मुझे इस बात का दुख है कि दे डिड नॉट सपोर्ट मी. बट इन अ वे दे वर राइट टू, बिकॉज उन्होंने ही बोला था कि नॉट टू कैरी वैल्यूएबल थिंग्स, लेट जस्ट कीप एवरीथिंग असाइड एंड लेट्स जस्ट टेक द लेसन्स
कि वी शुड नेवर कैरी द इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल थिंग्स इन दिस टाइप ऑफ कैंप्स एंड यू शुड ऑलवेज कीप योर वैल्यूएबल थिंग्स सेफ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेवर ट्रस्ट एनीवन लाइक एनीवन आपके फैमिली को छोड़ के किसी पे भी भरोसा मत करो 99% ऑफ टाइम्स जो भी आपको पहचानते हैं वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं चाहते दे वॉन्ट यू टू स्टक समवेयर दे वॉन्ट यू टू बी ऑन अ प्लेस जहाँ पे हो दे डोंट वॉन्ट यू टू ग्रो वो आपको ग्रो करते हुए देख नहीं सकते दे आर जेलस ऑफ यू दे आर स्केर्ड ऑफ यू लाइक उन्होंने थोड़ी आपको मदद की देन यू विल ग्रो सो हाई दैट दे विल नॉट एबल टू कैच अप टू यू सो Don't trust anyone except your family and just keep working hard, keep hustling, keep growing. अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते जो हुआ सो हुआ बट माई पॉइंट इज एनसीसी का मेन एम है टू टीच अस डिसिप्लिन टू टीच अस व्हाट्स यूनिटी लीडरशिप एक्सेट्रा बट देर वॉज समवन हु स्टोल माई हेडफोन्स लाइक मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा उसने लाइक चुराया बट माई पॉइंट इज हम किसी को तो रिप्रेजेंट करते हैं हम एनसीसी को रिप्रेजेंट करते थे हम एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं एंड वी आर मैच्योर इनफ टू लाइक नॉट टू स्टील द स्टफ ऑफ अदर पर्सन गो वर्क योर फकिंग एस ऑफ एंड उसके बाद जाके परचेस करो दूसरों का चुरा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला बट जिसने भी ये मेरा चुरा है उसे क्या मिलने वाला है इससे ही इज जस्ट गोइंग टू एंजॉय फॉर 6 months एंड उसके बाद क्या द रिग्रेट इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर आपको लाइक अंदर से ही अच्छा नहीं लगेगा अबाउट योर सेल्फ हमने कुछ तो चुराया है एक्सेट्रा इफ ही वॉज इन नीड एंड उसने मुझे मांगा होता तो मैंने खुशी खुशी उसे दे दिया होता स्टीलिंग स्टफ इज नॉट अबाउट द एनसीसी सो स्टीलिंग स्टफ वगैरह होम्स में स्कूल्स में कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता सो ये टोटली ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि आपने ये घर में सीखा है एंड बिफोर शेमिंग द कंट्री मतलब ये कंट्री के लिए बुरा होने से पहले एनसीसी के लिए बुरा होने से पहले दिस इज बैड फॉर योर पेरेंट्स योर मदर फादर सो यू आर स्पॉइलिंग योर मदर फादर्स नेम स्टॉप डूइंग दिस स्टफ मैन This hurt. Like उसने अगर लोटा दिए that will not even count because अभी 6 months हो गए incident से and अगर मैंने तब भी record किया होता then मेरे मुँह से गालियाँ आती मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाता सिर्फ गालियाँ anger मेरा anger बोलता सब camp के बाद मैंने एक दिन भी NCC को attend नहीं किया because वहाँ पे जो भी थे मेरे साथ I can't trust them literally I can't trust anyone मतलब मैंने उस दिन सबके बैग्स चेक किए 1:30 तक सबके बैग्स चेक कर रहा था आई वॉज हर्ट सो मुझे वो करना ही था बट मुझे तो मिला नहीं ना ही उस बंदे ने मुझे आके वो रिटर्न किया अगर वो रिटर्न करता थ्रू एनी वे देन इट वुड हैव बीन लाइक ग्रेट फॉर मी जो हुआ सो हुआ लेट इट गो अवे अब भी मुझे इतना वो अफेक्ट नहीं करता बट वेन एवर यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग हम एनसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं बीइंग कैंडिडेट हम दूसरों को बताते हैं फॉर व्हाट एनसीसी स्टैंड्स फॉर अगर आप इसमें भी ऐसा कर सकते हो देन आई डोंट नो वेयर यू स्टैंड मतलब इफ यू बिकम ऑफिसर और आप अगर किसी पोस्ट पे गए इन आर्मी नेवी या फिर एनी पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड देन अगर आपने ऐसा कुछ तो किया At that time, it will not remain just about me. Then you will be shame for our country. So, आप एक गद्दार की तरह, देशद्रोही की तरह रहोगे. If you are going to get a post or something, stop doing this. आपको इसका फल जरूर मिलेगा. कुछ ना कुछ तो आपके साथ बुरा होगा. कुछ ना कुछ आपका भी जाएगा. Work your ass off, man. Stop doing this type of shit. इससे कुछ नहीं होने वाला. And I wish जिसने भी ये मुझसे चुराया है ये लिया नहीं है ना ही उसने मुझसे लाइक उधार लिया है उसने ये चुराया है ही इज अ थीफ एंड उसने चोरी की है आई डोंट विश एनीथिंग बैड फॉर यू जस्ट ट्राई हियरिंग व्हाट योर इंस्टिंक्ट्स टेल यू टू डू कुछ अच्छा सोचो अपने बारे में इफ यू आर गोइंग टू गेट अ पोस्ट और समथिंग बिग डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस एट दैट पोजिशन डोंट स्पॉइल द नेम ऑफ दैट पोस्ट एंड आवर कंट्री सो आई विश गुड लक फॉर यू एंड अगर ये वीडियो देखने के बाद इफ यू फील सॉरी देन यू कैन हैप्पीली रिटर्न मी मुझे किसी ना किसी वे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताओ कि यू हैव चेंज अगर नहीं बताया देन स्टिल इट्स ओके बट ट्राई चेंजिंग एंड होप कि तुम्हारा भला ही हो एंड स्पीकिंग अबाउट द कैंप
कैंप बहुत अच्छा रहा, वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैंने उसके बाद एनसीसी का एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया, ना ही मैं कैंप को गया हूँ ना गया हूँ, बट जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ फॉर एनी प्रोग्राम और समथिंग, जब भी मैं मेरे फ्रेंड से मिलता हूँ तो तब मेरे ये सब दिमाग में आता है। सो दैट्स इट, आई डोंट नो व्हाट मोर शुड आई स्पीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी सेकेंड ईयर बी सर्टिफिकेट एनसीसी कैंप, एंड अभी मैं सी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ फॉर थर्ड ईयर। सो उसका भी कैंप होएगा, तब मैं इसे तो लेने नहीं वाला बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क एनीथिंग। तब मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा एनसीसी कैंप का। सो एनसीसी के बारे में जानना है तो तब मिलते हैं। सो जो भी ये वीडियो अभी तक देख रहा है, यू मीन अ लॉट टू मी, यू आर अ ट्रू सपोर्टर ऑफ मी, सो कीप लविंग मी। एंड आई होप कि आपको कुछ इससे सीखने को मिला, एंड जो भी आपको लग रहा है वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अगर क्या कमेंट करो आपको समझ में नहीं आ रहा, देन जस्ट कमेंट अ हार्ट फॉर मी, दैट विल मीन अ लॉट टू मी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन है देन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर यू कैन DM मी @Mr_RajKadam। तो आपको यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल आ रहा होगा, गो DM मी देयर, एंड आई मेक फिटनेस रिलेटेड कंटेंट। अगर आप इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो देन सब्सक्राइब करके जाना, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।